ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। जीवन में जब सब कुछ हमारी इच्छा के अनुकूल होता है, जीवन में बहुत खुश होते हैं हम, तब हम ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जैसे ही जीवन में कोई दुख या परेशानी आ जाती है, तब हम भगवान से शिकायतें करने लगते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन सच्चा भक्त, सच्ची श्रद्धा उसी भक्त में है जो जीवन में सुख आए तब भी ईश्वर का शुक्रिया अदा करे, अगर कोई दुख और परेशानी आए तब भी उस मालिक का शुक्रिया अदा करे। सुख आए तो ईश्वर की कृपा जानकर स्वीकार करो, और दुख आए तो उस ईश्वर की मर्जी जानकर स्वीकार करो, क्योंकि उनसे ज़्यादा बेहतर हमारे लिए कोई नहीं सोच सकता, ना ही कोई हमसे इतना प्रेम कर सकता है। और वो जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। कभी कभी इंसान जीवन में दुख और परेशानियों से निराश हो जाता है और भगवान से शिकायतें करता है, लेकिन उसे ईश्वर की मर्जी जानकर स्वीकार करो। इस बात को समझो कि आपसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल या गलती हुई है जो आज आपके साथ ऐसा हुआ है। भगवान आपके साथ जो भी कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। अगर उन्होंने एक दरवाज़ा बंद किया है तो वो चार नए दरवाजे आपके लिए ज़रूर खोल देते हैं, लेकिन वो हमें देर से नज़र आते हैं, लेकिन वो आपके लिए रास्ते खोल चुके हैं। अब आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इस दीपावली पर आपको बहुत बड़ा तोहफा जो गॉड गिफ्ट आपको देने वाले हैं, वो आपकी सोच से भी परे होगा, क्योंकि दीपावली हिंदू लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार है जो बड़ी धूमधाम से पूरे भारत देश में मनाया जाता है। और इस दीपावली पर बहुत बड़ा महासंयोग बना हुआ है। 2 दिनों तक माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाएगी, तो आप भी दिल खोलकर माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी धन धान्य की देवी है, और इस संसार में धन और धान्य के बिना जीवन अधूरा है। तो अब आपके जीवन में जो बहुत बड़ा बदलाव होगा वो आपकी सोच से भी परे होगा, क्योंकि इस दीपावली पर भगवान आपको बहुत बड़ा उपहार देने वाले हैं, जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि ईश्वर आपको इतना बड़ा उपहार कैसे दे सकते हैं, आप इसके योग्य हैं भी या नहीं। क्योंकि जीवन में इतनी बड़ी खुशी, इतना बड़ा सुख, अपरिमित सुख का अनुभव कभी आपने जीवन में किया ही नहीं होगा। तो इस दीपावली पर बाबा आपको बहुत बड़ा उपहार देने वाले हैं जो आपकी सोच से भी परे होगा। कल तक जीवन में दुखी थे, परेशान थे, हमेशा अतीत की बुरी यादें घेरे रहती थी, वो बार बार डराती थी, बार बार रुलाती थी कि कहीं जीवन में सब कुछ दोबारा ना घटित हो जाए। लेकिन ऐसा अब कभी नहीं होगा। भूल जाओ अपने गुजरे अतीत को, अब वो कभी लौटकर तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। और अब तुम्हारा जीवन किस तरह परिवर्तित होगा ये तुम कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसा जीवन तुम्हारे सामने है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी ना की होगी, क्योंकि सब कुछ तय हो चुका है, सब कुछ निश्चित हो चुका है। तुम्हारे बाबा तुम्हारा भाग्य बदल चुके हैं, और अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे भाग्य को नहीं बदल सकती। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं भी है वो भी तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है, क्योंकि इस बुरे वक्त ने बहुत कुछ छीन लिया है तुमसे, लेकिन उससे भी बेहतर, उससे भी अच्छा अब बाबा तुम्हें लौटाने जा रहे हैं, जिससे तुम्हारा जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा। तो अपने बाबा पर विश्वास रखो और मेहनत करो, अपना कर्म करो, क्योंकि कर्म तो हर इंसान को करना पड़ता है, और कर्म कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। कर्म हमें वैसे ही ढूंढ लेते हैं जिस तरह हजारों गायों के बीच एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इसलिए हम अपने कर्मों से नहीं बच सकते, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलने जा रहा है। जो जीवन में जाने अनजाने में बुरे कर्म हुए थे उनका फल आप भोग चुके हो। अब जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा, अब आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा,
और जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। एक बहुत उज्जवल और सुनहरा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। आपका जीवन अब खुशियों से भरा रहेगा। आपके घर धन्य धान्य अन्न के भंडार सदा भरे रहेंगे। बाबा आपको इतना देंगे कि आप हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए सक्षम रहेंगे। तो अगर आपके दरवाजे पर कोई भी सहायता के लिए आए तो कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए, क्योंकि बाबा ने आपको इस काबिल बना दिया है, इस योग्य बना दिया है, और वो चाहते हैं कि आप दूसरों की सहायता करें, क्योंकि हमारे नेक कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। बाकी सब कुछ, धन दौलत पैसा रिश्ते नाते, सब कुछ यही छूट जाएगा, लेकिन हमारे नेक कर्मों की कमाई हमारे साथ जाएगी। इसलिए अब जीवन में दुखों का अंत हो चुका है, अब जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। अब ना दिनों की बात है, ना महीनों की बात है, कुछ ही घंटों की बात है। आपको आपके जीवन की सबसे अनमोल तोहफा बाबा देने जा रहे हैं, जिसकी कभी जीवन में कल्पना भी ना की होगी। तो बस कुछ ही पलों का इंतज़ार है। अपने बाबा पर यूं ही विश्वास बनाए रखना। अब हमेशा तुम्हारी जीत होगी। अब कोई दुख और परेशानी तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। सदा खुश रहो, सदा जपते रहो। ओम साईं राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।